और मेरे तगड़े बीटबॉक्सर दोस्तों, क्या है तुम्हारे? मस्त बीटबॉक्सिंग कर रहे हो ना? क्या कर रहे हैं यार तू? तो आज सीखते हैं एक और नया साउंड जिसका नाम है हॉलो क्लॉप। लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्लॉप सीखना पड़ेगा, जिसपे मैंने पहले ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। तो अच्छा होगा पहले वो जाके देखो। तो हॉलो क्लॉप है कुछ साउंड ऐसा। तो हॉलो क्लॉप सीखने के लिए जो सब हॉलो क्लॉप है कि विसल है, विसल टाइप का, जो कि तुम्हें अपना मुंह को बहुत ही ज्यादा फाड़ना पड़ता है एकदम ऐसे। तो पहला स्टेप है तुम्हें ऐसे मुंह फाड़ना पड़ेगा ऐसे। दूसरा स्टेप क्या करना है तुम्हें ये करना है, मुंह के अंदर जो हवा है लंग्स का यूज करना है, जिससे तुम हवा बाहर की तरफ ब्लो करोगे ऐसे। बिगिनर हो तो तुम्हारा साउंड कैसा आएगा? बस हवा आएगी बाहर, बस फूल होगी क्योंकि देखा पहले स्टेप वही है, मुंह खोल रखा है, फाड़ रखा है ढंग से। उसके बाद दूसरे स्टेप में हवा ब्लो कर रहा हूँ बाहर। और तीसरा स्टेप है तुम्हें पोजीशन ढूंढना पड़ेगा, पोजीशन मतलब जिस पोजीशन में ये विसल आए। भेड़े वाला इफेक्ट आ रहा कुछ। और एक चीज में नोट करो, टंग पोजीशन क्या रहेगी? जो क्लॉप में रहती है टंग अपने नॉर्मल पोजीशन में रहता है ऐसे। जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुंह ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है इस साउंड में, क्योंकि जब तुम वो बैलेंस ढूंढ लोगे हवा और वो विसल का, तो तुम्हें खुद ब खुद लगेगा कि हाँ थोड़ा और इतना मुंह फाड़ दो। अगर इतना अरे भाई मजाक करो, इतना मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है, जितना नॉर्मल इंसानी लिमिट है उतना ही। हम एनाकोंडा नहीं है भाई जो हमारा पूरा 180 डिग्री ऐसा कमल का फूल खिल जाएगा मुंह खोल के, ठीक है? इसका भी चैनल नहीं देखते। और अगर तुम्हें ऐसे विसल नहीं मिल रहा तो फिर पीटना स्टार्ट करो, हॉलो क्लॉप पीटना स्टार्ट, अपना मतलब क्लॉप पीटना स्टार्ट करो ऐसे। मुंह खोल लिया, क्लॉप आ गया। अब क्लॉप पीटते पीटते हवा बाहर ब्लो कर रहे हैं मुंह के साथ साथ, पूरा इसमें लंग्स का भी यूज हो रहा है, ठीक है? ऐसा भी ठीक है। और ये मैं वोकलाइज नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, वोकलाइज नहीं है, नॉर्मल हवा है और ये मुंह खोल के शेप बन रहा है जिससे विसल आ रही है। जैसे तुम विसल करते हो ऐसा बाहर आया, तो हॉलो क्लॉप विसल भी ऐसा ही है, बस इसमें तुम्हें मुंह ज़्यादा फाड़ना पड़ता है ताकि वो पवित्र साउंड आपके मुंह से निकल पाए। तो विसल वाला थ्योरी हम इस पर अप्लाई करते हैं, मुंह इसमें लेकिन ज़्यादा खोलना पड़ता है। अब विसल भाई तो यही था ट्यूटोरियल यार। सो दैट्स इट, करते हैं इस ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड। इसी के साथ दिस इज म्यूजिकल माउथ, लौटूंगा दोबारा।